तो हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में न्यू जीमेल आईडी कैसे बना सकते हो 2024। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन में ऐसा एक जीमेल का एप्लीकेशन रहता है, ठीक है, ऐसा एक जीमेल का एप्लीकेशन रहता है। तो इस जीमेल का एप्लीकेशन को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो सिंपल से इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको कॉर्नर पर यहाँ पर अपना जीमेल का लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस लोगो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके फ़ोन में आपका जितना भी जीमेल आईडी है यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर 4 जीमेल आईडी है। तो आपको सिंपल सा न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड अनदर अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये गूगल वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ये गूगल वाला ऑप्शन पर। तो ये गूगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में थोड़ा इस तरह का लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा। आपका फ़ोन का जो भी पासवर्ड है वो आप दे देना, ठीक है। तो लोडिंग होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपल सा आपको न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अकाउंट का, ठीक है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन शो होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दो ऑप्शन आ गया है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर माई पर्सनल यूज़, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद मैं बताता हूँ। तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट नेम डालना पड़ेगा अपने जीमेल का, ठीक है। अपने जीमेल का जो भी नेम रख सकते हो आप, रखना चाहते हो, यही नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पर नेम डाल दीजिए। तो सिंपल से अपना जीमेल का नेम डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, ठीक है। अपन नीचे की साइड पर आप देख सकते हो। तो सिंपल से आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर डे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर ईयर्स, आपको यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक ठाक से सब सिलेक्ट कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आपको ये मेल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट का बटन मिलेगा नीचे की साइड पर, आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर दो जीमेल आ जाएगा, ठीक है। आप कौन सा जीमेल मतलब कि यूज़ करना चाहते हो, तो सिंपल से यहाँ से आप कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। और आप चाहो तो यहाँ पर यहाँ से आप जीमेल क्रिएट कर सकते हो अपने जीमेल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा यूज़ मोबाइल का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर यस यूज़ नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में लोडिंग लेगा चेकिंग यूअर नंबर, ठीक है। ऐसे करके तो आपका नंबर यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा आपका नंबर वेरीफाई हो गया है, आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आई एग्री के, ठीक है। आई एग्री का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप आपका जीमेल का पासवर्ड मांगेगा। आपका जीमेल का क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हो वही पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो अपने जीमेल का पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर नीचे की साइड पर नेक्स्ट का बटन है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हो ये आपका जीमेल एकदम से रेडी हो गया है। ये आपका नंबर भी वेरीफाई हो गया है इस जीमेल के साथ। आपको सिंपल सा भी नेक्स्ट का बटन मिलेगा नीचे की साइड पर, आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना पड़ेगा। नहीं, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आई एग्री का। तो आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऐसे करके कुछ लोडिंग लेगा, ठीक है। गूगल सर्विस,
तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आपको सिंपल सा बैक आना पड़ेगा। आपका जो न्यू जीमेल आईडी है एकदम से क्रिएट हो गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। या फिर मैंने क्लिक किया कॉर्नर पर, मैंने क्लिक किया जीमेल का लोगो पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो न्यू जीमेल आईडी है एकदम से रेडी हो गया है। अगर हमने बना लिया न्यू जीमेल आईडी, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने फ़ोन में न्यू जीमेल आईडी बना सकते हो। आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।